आज इस देश में कोरोना रूपी महामारी से लड़ने के लिए अपने उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष में 1,11,111 रुपये का डोनेशन चेक श्री राजेश कुमार वर्मा उप जिला अधिकारी शाहगंज को के माध्यम से मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष में दान दिया गया। जब से भारत में और उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन हुआ है, 25 मार्च से ही यह संकल्प लिया गया था कि शाहगंज नगर पालिका क्षेत्र या शाहगंज विधानसभा क्षेत्र के किसी भी ऐसे व्यक्ति को भूखा नहीं रहने दिया जाएगा जिसके पास राशन की व्यवस्था नहीं है, जिसके यहाँ घर पर चूल्हा नहीं जल रहा है। ऐसे लोगों को लगातार प्रतिदिन पका पकाया भोजन उनके घर पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है। जो लोग अपने परिवार को के पालन पोषण के लिए राशन की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए राशन का पैकेट उनके घर पहुंचाने का काम किया जाता है। और इन सब कार्यों को करने के लिए दिल से बड़ी शांति और खुशी मिलती है कि इस मानवीय आपदा में देश के प्रत्येक व्यक्ति को जो सक्षम है निश्चित रूप से पीड़ित व्यक्तियों की मदद करना चाहिए। और मैं और मेरे परिवार ने यह संकल्प लिया था कि जब तक लॉकडाउन हिंदुस्तान में और शाहगंज में चलेगा, शाहगंज नगर का और आसपास के रहने वाला कोई भी पीड़ित व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा। उसी कड़ी में लगातार सेवा का कार्य किया जा रहा है। लगभग 500-600 पैकेट बना हुआ खाना लोगों के घर पहुंचाने का काम प्रतिदिन किया जा रहा है। लगभग 100 पैकेट राशन प्रतिदिन लोगों को चिन्हित करके जो इस आपदा राहत कोष में आपदा में अपने घर चूल्हा नहीं जला पा रहे हैं, अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे लोगों को राशन पहुंचाने का काम मैं और मेरे परिवार के द्वारा किया जा रहा है। मैं देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने कठोर निर्णय लेकर इस देश को कोरोना रूपी महामारी से बचाने का काम किया है। मैं शाहगंज की जनता की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और आग्रह करना चाहता हूं कि आप की जनता आपके साथ है, हम लोग आपके साथ हैं। जब तक कहीं से निश्चिंत ना हो जाए कि कोरोना अब नहीं फैलेगा, मैं मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से अपील करता हूं कि इस लॉकडाउन को बढ़ाते चलें, क्योंकि यार इसका लॉकडाउन खोलने का परिणाम दुनिया इटली और अमेरिका और ब्रिटेन राष्ट्र में देख चुकी है। उसका परिणाम जो कि बहुत ही दुखद रहा, वहाँ लाशों की ढेर लग गई और माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा निर्णय लेकर 135 करोड़ जनता को लॉकडाउन करने का काम किया है। यह बहुत ही कठोर निर्णय है जिसकी प्रशंसा आज WHO कर रहा है और विश्व के सभी देश कर रहे हैं। धन्यवाद।